हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू है और मेरी किचन शालूज द बुक पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सूखे आलू की एक नई और बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको कि आप लंच में, डिनर में, पूरी रोटी पराठे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही टिफिन के लिए बहुत अच्छी है और सफर के लिए भी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इसको आप बनाकर एक बार जरूर देखें। आइए मैं दिखा देती हूँ कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने ली है आधी चम्मच साबुत धनिया। इसके साथ ही दो मैंने बड़ी इलायची ली है, दो छोटी इलायची ली है। 4 से 5 हमें लौंग चाहिए होंगी। 1 चम्मच हमें साबुत काली मिर्च के दाने हमें चाहिए। इसके साथ ही 2 से 3 आप सूखी लाल मिर्चें ले लें। अब इन सारे मसालों को हमें रोस्ट करना है, तवे में या कढ़ाई में आप रोस्ट कर लीजिए। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसे आपको रोस्ट करना है। रोस्ट करने से स्पाइसेस का जो एरोमा है वो पूरा की पूरा निकल कर आता है, और जब आप इसको पीसेंगे और किसी भी सब्जी में, ग्रेवी में आप यूज करेंगे, तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हल्का सा भूनने के बाद में गैस को हमें ऑफ कर देना है। ये मसाले हमारे भुन चुके हैं, इसकी जो नमी है पूरी तरीके से निकल चुकी है। तो लाल मिर्च की डंडी को मैं रिमूव कर दूंगी और इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो 5 मिनट बाद इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको मॉर्टर एंड पेसिल में पीस रही हूँ। आप चाहें तो इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफर करके पल्स करते हुए भी पीस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मसालों को पीस लिया है, थोड़ा सा दरदरा पीसा है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर जो यहाँ पर छिलके हैं बड़ी इलायची और छोटी इलायची के, उसको आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। तो छिलके मैंने हटा दिए। तो इस मसाले के अलावा हमें चाहिए होंगे आलू। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं, छोटे साइज के आलू हैं, और इनको मैंने ऑलरेडी छील कर रखा है। इसको हमें हाथों से इस तरह से मैश करना है। तो सारे आलूओं को इसी तरह से मैश करके रख लीजिए। आप चाहें तो इन आलूओं को नाइफ से कट भी कर सकते हैं। छोटे या बड़े रखना आपके हाथ में है, किस साइज में रखना है वो आप पर डिपेंड करता है। आइए बनाना शुरू करते हैं सूखे आलू। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 टेबलस्पून के करीब घी ऐड कर दें। तो आप देख सकते हैं हमारा घी यहाँ पर सॉलिड है, इसलिए मैंने इसको मेल्ट होने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे, तो घी के साथ थोड़ा सा ऑयल भी डाल दीजिए। तो 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल भी डाल दिया, रिफाइंड ऑयल डाला है। तो घी और ऑयल को अच्छे से हीट कर लीजिए। कढ़ाई को हम चिकना कर लेते हैं इस तरह से, ताकि जब हम आलू बनाएं तो हमारी कढ़ाई पर आलू चिपके ना। तो एक तरह से हमने यहाँ पर कढ़ाई को नॉनस्टिक में कन्वर्ट कर लिया है। कढ़ाई हमारी हीटेड थी, गर्म हो चुकी थी, और हमने ऑयल को चिपका दिया, तो इससे जो हमारा आलू है वो इस पर चिपकेगा नहीं। अब तेल हमारा गर्म है, घी गर्म है, तो इसमें हम आधी चम्मच जीरा ऐड कर रहे हैं। जीरा हमारा बहुत अच्छे से चटक चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हम इसमें सारे खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे जो हमने पीस कर रखे हैं। आप चाहे तो इन मसालों को आप बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। जैसे ही मैंने मसाले डाले तो मैंने गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया, वरना ये मसाले जल जाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर आलू भी डाल दें इसमें, और बस इसको अच्छे से आप चला लीजिए। तो जब आप आलू को चलाएं तो चाहे तो आप आंच को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी आलू है फ्रेंड्स। आप चाहे तो मसाला पहले से बनाकर रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे आप ये सूखे आलू टिफिन के लिए या फिर लंच या डिनर के लिए कभी भी बना सकते हैं। ये आलू खास तौर से पूरी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आधी चम्मच के करीब इसमें आप नमक ऐड कर दीजिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। साथ ही आधी चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि मैंगो पाउडर ऐड किया है खटास के लिए। मैंगो पाउडर की जगह आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया हम ऊपर से डालेंगे और सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स करते हुए हम चला लेंगे। तो ये देखिए खटाई और नमक हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। वैसे तो हमारे ये आलू बनकर बिल्कुल रेडी हैं, पर हल्का सा पानी मैं इस पर छिड़कूंगी। लगभग 1 से 2 टेबलस्पून के करीब हम इस पर पानी छिड़केंगे। इससे हमारे आलूओं में मॉइस्चर बना रहेगा और आलू आपको ड्राई नहीं लगेंगे। तो अच्छे से वापस से इसको आप चला लीजिए, और बस ये हमारे आलू बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इसको आप गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए पूरी रोटी पराठे के साथ। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप इसको एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।